नमस्कार दोस्तों, नीरज एक आवाज़ में आप सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक भी एज यूजुअल आपके लिए काफ़ी यूनिक रहने वाला है। आज हम जानेंगे कि हम अपने जो सब्सक्राइबर हैं उसको हाइड कैसे करें, सब्सक्राइबर को हाइड क्यों किया जाता है वो भी जान लेते हैं। जब हम नए यूट्यूबर होते हैं तो उनके सब्सक्राइबर भी कम होते हैं, सब्सक्राइबर कम होते हैं तो जो भी दोस्त उसके चैनल पर विजिट करता है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइबर को देखता है कि इसके सब्सक्राइबर कितने हैं। यदि कम सब्सक्राइबर जब दिखते हैं तो वो ये मान लेता है बिना वीडियो देखे कि इस चैनल पर वीडियो अच्छी नहीं होगी या क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या विषय अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसके सब्सक्राइबर कम है। चाहे आप कितनी भी अच्छी वीडियो डालें, यदि आपके सब्सक्राइबर कम शो होते हैं तो आपका सर्च इंजन कम हो जाता है, तो आपका जो चैनल का फेम भी नहीं बन पाता। तो जो भी नए यूट्यूबर है या जिनके कम सब्सक्राइबर है उनको अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर लेना चाहिए। ये मेरी नया चैनल है और इस पर सब्सक्राइबर बहुत ही कम है और मैंने अच्छी क्वालिटी में वीडियो भी डाली है, लेकिन क्या कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, अब मैं अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं। तो देखो, मैं पहले सबसे पहले मैं अपनी वीडियो दिखा देता हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने HD क्वालिटी में बनाई है और बिल्कुल साफ आवाज़ में ये वीडियो बनाई है, जो भी वीडियो इसमें मैंने डाली है। तो आप देख सकते हैं, मैं कोई भी एक वीडियो चलाकर दिखा भी देता हूँ आपको, जैसे कि मैं ये वीडियो चला रहा हूँ। कर दोस्तों, नीरज एक आवाज में आपका स्वागत है और आज का जो टॉपिक है कि फेसबुक की वीडियो आसानी से कैसे डाउनलोड की जाए। देखो दोस्तों, बिल्कुल साफ आवाज़ में मैंने बनाई हुई है और अच्छी क्वालिटी में बनाई हुई है, लेकिन फिर भी मेरा सर्च इंजन नहीं बढ़ रहा है। रीज़न क्या है, मेरे सब्सक्राइबर 100 होते थे तो मैंने अब इसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया। तो आप भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले, यदि आप अपने मोबाइल से अपने चैनल को हैंडल कर रहे हैं तो आप क्या करना है, आपके राइट साइड जो है ये 3 डॉट है ऊपर, आप क्रोम ब्राउज़र पर जाएँ और वहाँ पर ये 3 डॉट है ऊपर, इस पर क्लिक करें। जब इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना है। तो आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा ऐसे, जो डेस्कटॉप उसमें खुल जाएगी आपकी एप्लीकेशन। और आपको क्या करना है, उसके बाद अपने चैनल पर जाना है, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है नीरज एक आवाज़। तो नीरज एक आवाज़ पर मैंने क्लिक कर दिया है तो आपके आगे ऐसे करके आपके चैनल के नाम के साथ ऐसे खुल जाता है पेज। तो आपको क्या करना है, क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करना है। मैं इस चैनल पे बेहतरीन से बेहतरीन आपको सेटिंग बताता हूँ, जो भी आप चैनल से रिलेटेड हो या और कोई विषय पर हो, जैसे कि आप टेक्निकल साइड में जाना चाहते हैं उसके लिए भी है। तो आपने जब ये क्लिक किया तो आप राइट लेफ़्ट साइड देखें कि लेफ़्ट साइड आपके चैनल का नाम आ गया है या चैनल करके ये आपके आगे ऑप्शन आ गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप चैनल पर क्लिक करते हैं तो ऐसे करके ये पेज खुल जाता है। ऐसे पेज खुलने के बाद आपको करना क्या है, जब आपने चैनल पर क्लिक किया है तो एडवांस जो सेटिंग होती है, ये एडवांस लिखा हुआ है, आपको एडवांस पर क्लिक करना है। जब आप एडवांस पर क्लिक करते हैं तो आपके आगे ये पेज निकल जाता है। आप नीचे जाएं, आप यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइबर काउंट, तो यहाँ पर डू नॉट डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल, आप इसको क्लिक कर देना है आपको सिंपल। जैसे कि देखो, मैं दोबारा क्लिक करके बता देता हूँ, ऐसे मैंने क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ पर नीचे जाकर नीचे सेव पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे यहाँ पर आपको सेव कर देना है। तो अब आपका जो सब्सक्राइबर है, जो कोई भी नहीं देख पाएगा कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं और आप अच्छी वीडियो डालते हैं तो वो एक दिन आपकी सब्सक्राइबर सर्च इंजन में, तो आप सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और आपकी वीडियो सर्च इंजन में आनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।